अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक परिवार के घर पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक दोस्त ने बताया था कि एक परिवार है जिसका जिसके जो कर्ता थे, मुखिया थे, उनका इंतकाल हो गया एक साल पहले। और जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ बीमार रहते थे। बहुत ही बेहद ज़्यादा गरीब परिवार है, देख सकते हैं। यही वो घर है, इसी घर में रहते हैं। और इस ये घर भी किराए का है। अब हम लोग चलेंगे उस परिवार से, हम बातें करेंगे कि आखिर उनकी माली हालत कैसी है, और कोशिश करेंगे कि उनकी कुछ हेल्प की जाए। और यही हम चाहते हैं कि आप भी अपने आसपास के इलाके में देखिए और जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प कीजिए। हम अंदर चलते हैं और उनके परिवार से इंशाल्लाह बात करेंगे, जो मदद की जाएगी वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यही रहते हैं आप? ये घर है आपका? अच्छा, ये पास आइए, देख सकते हैं ये घर है। और ये सब टूटा हुआ है आपका? ये शादी का आपका कैसा है? शादी का नहीं है? अच्छा अच्छा, तो घर में कौन कौन रहता है? बस नहीं होती। और बच्चे हैं? चार बच्चे हैं, तीन लड़के, छोटे परिवार। तीन लड़के हैं, एक बिटिया है। आपके शोहर को क्या बीमारी थी? उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी? कितने साल पहले हो गए? एक साल हो गए, डेढ़ साल तो वे रहे बीमार, साल तक। फिर उसके बाद में दिमाग की नस्बत भी बुखार आ गया, तो हर दिन नहीं गई। एक डेढ़ साल रीढ़ की हड्डी टूटी, फिर दिमाग की नस फट गई। कमाने वाले सिर्फ वही थे जी। तो अब कैसे चलता है घर का जो खर्चा है, वो चाहिए क्या? लड़का है, वो करता है, तो 4000 रुपये आता है। 4000 रुपये महीना? और सब मकान का किराया 2000 उसका जाता है। 2000 जी। जो 2000 बचते हैं, 2000 में क्या? फिर दूध भी है, चीनी भी है, आपकी बीमारी भी है। और आप भी बीमार रहती हो? रसोली आपको, जैसे हमने लोगों से जाना, कुछ लोगों ने बताया कि आप बहुत सी दफ़ा ऐसा वक्त आता है कि आपके पास किराए तक के पैसे नहीं होते। ऐसे ही हो रहा काफ़ी टाइम से, किराए के लिए पैसे नहीं जाने लगे अस्पताल में। आप नहीं जा रहे हैं? बच्चा क्या काम करता है आपका? अभी सीख ही रहा है वो। सीख रहा है जी। और लोग मदद करते हैं? कोई आता है पास में मदद के लिए? कोई नहीं आता। देखिए, अल्लाह है मदद करने वाला, अल्लाह भेजता है। अल्लाह ने हमें हमारे दिमाग में डाला, हमें किसी ने बताया कि आपके पास जाना चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। और इंशाल्लाह देखिए, हम इतने मालदार तो नहीं हैं कि हम आपसे बड़े बड़े वादे करें, लेकिन जो भी हमारी हैसियत है, इंशाल्लाह उस हैसियत के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद अभी भी करें और आगे भी इंशाल्लाह मदद करते रहें, जो भी हमसे बनता है। और बस मैं ये चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, वो मैं देखा है अभी खेल रही थी। तो आप हिम्मत ना हारें, यही हम चाहते हैं। और अपना इलाज भी आप कराएं, और इलाज के लिए अगर कोई परेशानी आ रही तो आप हमें बताइए, किराए की या फिर दवाई की अगर कोई आपको परेशानी, ऐसी कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए इंशाल्लाह। और बस थोड़ी सी हम ये कुछ मदद है आपको करना चाहेंगे, ये ज़्यादा तो नहीं है। देखिए बस ये तो हमारी तरफ से थोड़ी सी बच्चों के लिए और आपके इलाज के लिए है पैसा, आप रख लीजिए। और इंशाल्लाह इसके बाद भी अगर कोई मदद आती है आपके लिए, तो इंशाल्लाह हम आपको भेजेंगे मदद। और हमने सुना है कि आपका 25 गज का एक मकान है, उस मकान में भी लोन लिया है गवर्नमेंट से आपने, जो वो प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन मिलता है 2.5 लाख रुपए का। कितना पैसा आ चुका अब तक? 2 लाख आ चुका। तो लगा दिया आपने मकान में? तो बताया कि उस 2 लाख में भी आपसे कुछ 25,000 भी रिश्वत के ले गए, जो तो आपने उनको मना नहीं किया कि भाई मैं बेवा औरत हूँ और आप मेरा कमाने वाला कोई नहीं, आप इसमें से रिश्वत ले रहे हैं 2 लाख में से?
नहीं ले लिया आगे, आप यकीन, आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपकी किस्त बची है शायद 50,000 रुपये की, 50,000 की किस्त में अगर आपका कोई भी रिश्वत लेने वाला आता है तो मैंने आपको नंबर दिया है अपना, आप बेफिक्र होकर मुझे फ़ोन कीजिए, अगर एक भी रुपये की रिश्वत आपसे मांगते हैं तो वो रिश्वत नहीं दी जाएगी और इंशाल्लाह जो पैसे आपको वो वापस होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों में खुश रहिए आप और हिम्मत से काम लीजिए इंशाल्लाह। परेशानी देखिए अल्लाह ताला जिस हाल में रखे बस वही जानता है, बस हम ये चाहते हैं कि आप दुआ करें हमारे हक में भी और जो लोग मदद भेजते हैं उनके हक में भी, तो आप दुआ करें इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी दुआ अगर कबूल होगी तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हिम्मत ना हारें और इंशाल्लाह मेहनत से काम ले, और आपका जो घर में इंशाल्लाह कोई दिक्कत आ रही है वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगी। आप अपने बच्चों का पढ़ाई का ध्यान रखें, अपना भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी खिलाओ, आओ चलो। ये बिटिया है ना आपकी, ये बिटिया है, क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, तमन्ना इधर तो आओ, खेल रही है आप। तमन्ना ये बताओ आप क्या 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 खाओगे आप? तमन्ना तो डर रही है हमसे, कुछ खाओगे आप? गले मिल लो मामू, है? गले मिल लो मामू, आ जाओ मिल लो। एक गले तो मिल लो। चलो आप, हम फिर आएंगे आपके पास में, ठीक है? ये बेटी है छोटी सी और दो तीन बच्चे हो रहे हैं, और ये घर है किराए का घर है इसका। इसका कितना किराया है? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये घर है। और ये वो मकान है जो ये 25 गज के मकान में बना रहे हैं, ये इनको लोन मिला था, इनका इतना नहीं था कि ये बना पाएँ, और अभी पूरा बना नहीं है मकान, अंदर से खाली है, और इसमें भी 25,000 आपसे लेंगे रिश्वत के लोग हैं। कैसे कैसी मानसिकता के लोग हैं कि ऐसे लोगों से रिश्वत लेते हैं कि ये बेवा है, अब कहाँ से रिश्वत देगी? देखिए बेफिक्र रहिए आप, जो भी आपका मकान का रह गया ना खर्चा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप जो आपकी किस्त आनी है वो किस्त आप लीजिए, उसके बाद कोई रिश्वत अगर लेता है तो बिल्कुल रिश्वत नहीं देने आपको। उसके बाद भी अगर कोई खर्चा बच जाता है ना तो आप फ़ोन कीजिएगा, इंशाल्लाह जो भी मदद होगी हमारे से उस जिस लायक हम हैं इंशाल्लाह हम पूरी मदद करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए बस, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।